सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के बारे में। अगर आपके पास वीवो का कोई भी फोन यूज करते हो, आप लोग के फोन में गूगल डायलर यूज कर रहे हो, गूगल डायलर के अंदर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है तो आपके फाइल मैनेजर के अंदर नहीं सेव होती है, आपके नंबर के अंदर सेव हो जाती है। फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं गूगल डायलर के कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोग अपने फाइल मैनेजर के अंदर कैसे सेव करोगे, इसे आप लोग किसी के पास शेयर भी कर सकते हो एंड अपने फाइल मैनेजर के अंदर रख भी सकते हो एंड आपका नंबर डिलीट होने के बाद तो भी आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है कभी डिलीट नहीं होगा। तो फाइनली यही चीज इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं लाइव प्रूफ के साथ, आप लोग को जो कि फाइल मैनेजर के अंदर सेव करके दिखाने वाला हूं। तो फाइनली वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोग को समझ में आने वाले। तो फाइनली वीवो के किसी भी डिवाइस में आप लोग कर सकते हो, ज्यादा करके गूगल डायलर कुछ लोग यूज करते हैं जो कि यहां पर गूगल डायलर देखने में बेटर लगता है एंड जो कि यहां पर लेटेस्ट लगता है, और वीवो का डायलर कम ही लोग यूज करते हैं। तो फाइनली यहां पर गूगल के डायलर में प्रॉब्लम आती है कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को लेकर, तो यहां पर सेव करके आपको दिखाने वाले हैं फाइल मैनेजर के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों मेरे पास वीवो का B23 फोन है, आप लोग देख सकते हो एंड यहां पर वीवो का B23 फोन है एंड इसी फोन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। एक बात और बता रहा हूं, जैसे कि वीवो का B20 फोन अगर आप लोग यूज करते हो, वीवो का B23 फोन यूज करते हो तो उसमें अपडेट आ चुका है फाइनली 800 MB का। इसके बारे में वीडियो बना रखा हूं, आप लोग नहीं देखो तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। तो जहां पर देखोगे तो यहां पर कुछ इस तरीके का डायलर मिल जाएगा आपके फोन में, गूगल डायलर। तो गूगल डायलर के अंदर अगर आप जाओगे तो देखोगे तो यहां पर कॉल रिकॉर्डिंग मैंने करके रखा है और इस नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग है, देख सकते हो। अब इस नंबर पे हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है तो इसके बाद मैं दूसरा कॉल करूंगा तो मेरा कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगा एंड कॉल रिकॉर्डिंग होगा तो पहले वाला कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फाइल मैनेजर के अंदर नहीं सेव होता है। तो मैं यही चीज आप लोग को सेव करके बताने वाला हूं। तो यहां पर हम करते हैं कॉल और कॉल करने के बाद यहां पर देख सकते हो तो हमारे फोन में ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाता है, जो कि मैंने ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर रखा है। तो आप भी करना चाहते हो तो इसके बारे में वीडियो बना रखा हूं। तो फाइनली आप लोग आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पर देखोगे तो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। अब दोस्तों यहां पर मैं फोन को कट करता हूं और कट करने के बाद जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है हमारे गूगल डायलर के अंदर इसी नंबर में देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारे फाइल मैनेजर के अंदर नहीं सेव होता है। तो यहां पर मैं सेव करके आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा, शेयर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। पहले आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग हमारी, कॉल रिकॉर्डिंग इस प्रकार से हमारे फोन में हुआ है। लेकिन अगर आपको फाइल मैनेजर के अंदर सेव करना है तो इससे क्या करना, आपको यहां पर शेयर वाले बटन पे आपको शेयर करना है क्लिक। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपका व्हाट्सएप सबसे बेस्ट होगा क्योंकि व्हाट्सएप बहुत लोग चलाते हैं, यूज करते हैं। तो अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो, किसी भी नंबर पे शेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास वीवो का फोन है तो आपके पास दो व्हाट्सएप तो चलता ही होगा, तो एक वाले व्हाट्सएप से दूसरे वाले व्हाट्सएप पे आप इसे सेंड कर सकते हो, या तो आपके फोन में कोई नंबर वगैरह ब्लॉक किए हो तो उस पर सेंड कर सकते हो। सिर्फ आपको सेंड करना है। अब सेंड करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूं। यहां पर आपको पहले व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर व्हाट्सएप में नंबर पे सेंड कर लेना। मेरा यहां पे दूसरा वाला व्हाट्सएप का नंबर है तो यहां पर मैं सेंड पे क्लिक किया और ये हमारे पास सेंड हो चुका। मैंने पहले भी यहां पर ट्राई किया था, यहां पर देख सकते हो ट्राई किया था। इसके बाद यहां पर दूसरा बार आप लोग को बता रहा हूं, यहां के मैं कि यहां पर ट्राई करके आपके लिए बता रहा हूं। तो ये फाइल मैनेजर के अंदर आपको जाकर चेकआउट करना है, तो इसके लिए आपको एक फाइल मैनेजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फोन में एक फाइल मैनेजर गूगल वाला मिल जाता है लेकिन गूगल वाले में आपको नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर आपको प्ले स्टोर के अंदर बताता हूं बेस्ट फाइल मैनेजर आपका कौन सा, यहां पर आप लोग डाउनलोड करके अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो जहां पर इस वाले फाइल मैनेजर को आपको डाउनलोड कर लेना है और ये आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इसे आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर को एग्री कर लेना है और एग्री करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहां से बैग होना है और यहां पर आपको
देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको यहां पर सर्च बार पे क्लिक करना है, यहां पर आपको लिखना है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आपको लिखना है। यहां पर व्हाट्सएप आप जैसे लिखोगे तो आपके फोन में व्हाट्सएप आ जाएगा, फोल्डर वगैरह व्हाट्सएप का आ जाएगा। तो यहां पर आपको व्हाट्सएप लिखना है। अब व्हाट्सएप हम लिख देते हैं तो यहां पे हमारे फोन में देख सकते हो बहुत सारे व्हाट्सएप का फोल्डर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि यहां पर सर्चिंग ले रहा है, उसके बाद आपको यहां पर व्हाट्सएप का फोल्डर आ जाएगा। देख सकते हो whatsapp.com वगैरह यहां पर बहुत सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं। तो आपको यहां पर व्हाट्सएप वाले फोल्डर में आना है। देख सकते हो यहां पर व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप वाला, एक्सो आइडियो, व्हाट्सएप आइडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके फोन में, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके फोन में ज्यादा करके जो भी सेंड वगैरह करते हैं तो यहां पर हमारा प्राइवेट वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, और इस वाले में कुछ जिसके पास हम भेजते वगैरह हैं तो यहां पर ऐड होता है। तो हमें यहां पर प्राइवेट वाले में जाना है, और यहां पर देखोगे तो कुछ भी नहीं हमारे फोन में ऐड वगैरह हुआ है। तो यहां पर क्या करना है आपको, देख सकते हो मैंने दो यहां पर भेजा था, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का हमारे नीचे वाले फोल्डर में देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, टैप करना है, उसके बाद आपके पास यहां पर थ्री डिट पे क्लिक करना है, एक रिमूवल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो तीन यहां पर लास्ट में दिख रहा होगा डेस्कटॉप, यहां पर आपको इसको हटा देना है। उसके बाद आपको लिखना है यहां पर MP3 लिखकर यहां पर आपको सेव कर देना है। अब यहां पर आपका सेव हो जाता है। यहां पर देख सकते हो जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया था यहां पर हमारा बन चुका है, यहां पर हमारे फाइल मैनेजर के अंदर सेव हो चुका। अब यहां पर सुनाता हूं आप लोगों को। जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मैंने इनेबल किया है, इनेबल करने के बारे में आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग को नहीं पता तो वीडियो इसके बारे में बनी है। फाइनली यहाँ पर जब हमारी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से। इस वाले को भी मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। इस वाले को हम करते हैं यहां पर, और यहां पर हम करेंगे रिमूवल। उसके बाद हम यहां पर लास्ट का जो तीन अक्षर है इसे हम हटाएंगे, लिखेंगे यहां पर MP3। जैसे लिखेंगे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा फाइल बन जाएगा, ये भी हमारा MP3 बन जाएगा। आप लोग यहां पर सुन सकते हो इस तरीके से, हम यहां पर सुनाकर आप लोग को दिखाते हैं यहां पर। तो देख सकते हो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए देख सकते हो इस तरीके से आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है आपके फाइल मैनेजर के अंदर आप लोग सेव कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही काम करना। उसके बाद आपका गूगल डॉलर के अंदर जो भी फाइल मैनेजर के अंदर सेव करना चाहते हो कॉल रिकॉर्डिंग को, तो आपका ये यहां पर सेव हो जाएगा। तो फाइनली इतना ही आप लोगों को करना है। फाइनली मैंने आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बता दिया, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी गूगल डायलर की कॉल रिकॉर्डिंग को फाइल में सेव होने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो फाइनली आपको यहां पर कंफर्म यहां पर लाइव प्रूफ के साथ मैंने बता दिया। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंटरेस्ट कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।